हाँ जी, अज असी स्टार्ट करांगे एक्सरसाइज 4.4 फिफ्थ क्लास PSEB मैथ्स। तो ये साडे कोल क्वेश्चन नंबर 1 है, चैक वैदर द फॉलोइंग फ्रैक्शनस आर इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म और नोट। जो मेरी पहले वाली वीडियोज़ हैं उन्होंने मैं फ्रैक्शन बारे दस्या है कि फ्रैक्शन की होंगी है। ठीक है, फ्रैक्शन जो है कुछ इदा का नंबर होंगे है जिदे विच कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्रेजेंट होंगे हैं, जिमें कि असी देख सकते हाँ इतने जो 12 है। ठीक है, ये जो उपर 12 है इसनों आप कहने हाँ न्यूमरेटर, तो नीचे जो 14 है इसनों आप कहने हाँ डिनोमिनेटर। ये जो 12 है ये जो है न्यूमरेटर है, तो जो 14 है ये जो है डिनोमिनेटर है, तो इसनों आप कहने हाँ फ्रैक्शन। ठीक है, अगर कोई भी नंबर अगर न्यूमरेटर अपोन डिनोमिनेटर दी फॉर्म दे विच प्रेजेंट है तो इट मीनस कि वो नंबर जो है फ्रैक्शन होएगा। ठीक है, या फिर उस नंबर आप फ्रैक्शनल नंबर कह सकते हाँ। तो ये जो विचकार ये जो लाइन होंगी है इसको आप कहने हाँ अपोन। ठीक है, कई बार इसको आप बाय भी कह दें। ठीक है, 12/14 या कई बार आप इसनों डिवाइड का साइन भी कहने हाँ, वैसे इसको आप जो है अपोन कहने हाँ, UPON। ठीक है, अपोन। हाँ जी, 12/14, 12 जो है न्यूमरेटर है और 14 जो है डिनोमीनेटर है। इदा के नंबरस में आप जो न्यूमरेटर अपोन डिनोमीनेटर फॉर्म के होंगे हैं इदा के नंबरस में आप फ्रैक्शनल नंबर कहने हाँ। तो इस टाइम ये जो 12/14 ये जो फ्रैक्शन है, हुण साडा क्वेश्चन ये है कि इसनों आप लोवेस्ट फॉर्म के चेंज करना है, चेंज करना है, तो नाले चैक करना है कि ये लोवेस्ट फॉर्म के प्रेजेंट है या नहीं है। हुण लोवेस्ट फॉर्म की होंगी है वो आप किदा चैक करनी है। ठीक है, वह एक मैथड है, वो वास्ते तो HCF आना जरूरी है। तो HCF वास्ते तुसी मेरी थर्ड चैप्टर की वीडियोज़ जो है जाके वेख सकते हो। तो हुण असी जो है इसका मैथड समझांगे कि इस फ्रैक्शन असी लोवेस्ट फॉर्म के किदा कन्वर्ट करना है या फिर किदा चैक करना है। ठीक है, चैक वैदर द फॉलोइंग फ्रैक्शनस आर इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म और नोट, कि ये जो फ्रैक्शन है ये जो है लोवेस्ट फॉर्म के है या नहीं है, इसनों आप चैक करना है। तो आप हूँ देखते हैं कि किमें असी चैक करांगे इसनों कि ये लोवेस्ट फॉर्म के है या नहीं है। हाँ जी, सोल्यूशन ये वास्ते असी फर्स्ट फाइंड HCF ऑफ 12/14 ये लिखांगे। साढ़े कोल दो ही नंबरस हैं, न्यूमरेटर दे विच साढ़े कोल 12 है तो डिनोमीनेटर दे विच साढ़े कोल जो है 14 है। तो असी लिखांगे कि फर्स्ट फाइंड HCF ऑफ 12/14। वैसे तो मैं HCF नूं किद्दां कैलकुलेट करना है इस वीडियो के अंदर भी समझा देवांगा, बट अगर डिटेल दे विच अगर समझना चाहते हो तो थर्ड चैप्टर की मेरी 3.1 या 2 की वीडियो है, उहदे विच जाके तुसी जो है इस HCF नूं समझ सकते हो। तो जो मैथड मैं इतने HCF नूं कैलकुलेट करन वास्ते यूज़ करांगा वो मैथड इतने जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड नूं यूज करके मैं जो है HCF कैलकुलेट करांगा। हाँ जी, अगर असी चेक करना है कि ये जो फ्रैक्शन है 12/14 यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है अगर असी चेक करना है कि लोवेस्ट फॉर्म के प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो असी सब तो पहला HCF कैलकुलेट करांगे। फर्स्ट फाइंड HCF ऑफ 12/14। हुणे HCF किद्दां कैलकुलेट करना है इधर देख लेने हाँ। ये जो मैथड है इसनों आप प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड कहने हाँ। तो ये जिमें साडे कोल जो है न्यूमरेटर 12 है, असी इधर रखांगे 12 नूं, तो जो स्मालेस्ट नंबर है। ठीक है, जिमें हुण जो 12 है ये जो है ईवन नंबर है, ईवन नंबर दी मेरी वीडियो है 3.1 दे विच तुसी देख सकते हो। हाँ जी, ईवन नंबर है 12 क्योंकि 2 नाल डिवाइड हो सकता है, तो असी 2 तो स्टार्ट करांगे। 2 6 12 होंदा है, तो 2 3 6 होंदा है, 3 3 1 3 होंदा है। इट मीनस जो 12 है इधर जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं, 12 दे प्राइम फैक्टर्स हैं साढ़े को 2 2 और 3, ये वाले 3 जो है 12 दे 3 जो है प्राइम फैक्टर्स हैं। इदा ही इधर 14 है साढ़े को, क्योंकि डिनोमीनेटर डिनोमीनेटर साढ़े को जो है इतने 14 है, तो 14 अगर असी वेखिए तो यह भी जो है ईवन नंबर है। इट मीनस कि 2 नाल डिवाइड हो सकता है, 14 असी 2 नाल डिवाइड किया, 2 7 14 होंगे है, 7 1 7 होंगे है। तो 14 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो जो है 2 और 7 है। ठीक है, 14 के प्राइम फैक्टर्स 2 और 7 है। तो इतने असं लिखांगे 12 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं यानी कि 2 2 और 3। ठीक है, इन्हें मल्टीप्लीकेशन, तो 14 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं यानी कि 2 और 7 इन्हें जो है मल्टीप्लीकेशन। तो हूँ असी जो HCF कैलकुलेट करना है, HCF की होंगे है हाईएसट कॉमन फैक्टर।
हाँ जी 12 और 14 का अगर एच सी एफ अगर असी कैलकुलेट करना है तो असी की करांगे कि इन्हां दे विच जिहड़े प्राइम फैक्टर्स आए हैं 12 और 14 दे इन्हां दे विच कॉमन फैक्टर देखांगे कि कौन नंबर दोवां दे विच कॉमन है। ठीक है, अगर असी 12 दे विच अगर असी पहला अगर प्राइम फैक्टर देखिए तो यह जो है 2 है, तो 14 दे विच पहला प्राइम फैक्टर जो है 2 है, 2 जो है ऊपर भी आ रहा है तो नीचे भी आ रहा है, इट मीनस कि ए वाला 2 तो जो है कॉमन है। ठीक है, ए वाला 2 तो जो है कॉमन हो गया, तो 12 का जो नैक्सट जो 2 है वह जो है नीचे नहीं आ रहा, सैकेंड वाला 2 जो कि 12 के अंदर है वह जो है नीचे 14 के प्रेजेंट नहीं है, 14 के नीचे 7 प्रेजेंट है, इट मीनस कि 12 का जो सैकेंड वाला 2 है ये जो है कॉमन नहीं है दोनों के, इट मीनस कि ये जो है जो एच सी एफ है वो नहीं आ सकता। ठीक है, इन दोनों 2 के, ठीक है, असी एक 2 जो है नीचे लिख लिया है, जिहड़े फर्स्ट वाले दोनों जो 2 है सी, ठीक है, यानी कि 12 का 2 और 14 का 2 इन्हों एक जो 2 है वो जो है असी नीचे लिख लिया है क्योंकि जो ये 2 है ये जो है कॉमन है। ठीक है, दोवों के 12 और 14 के, जो नैक्सट जो 2 है 12 का नीचे 14 के नहीं आ रहा है, इट मीनस कि कॉमन नहीं है, तो 12 का अगला जो प्राइम फैक्टर है 3 वो भी जो है नीचे नहीं आ रहा है, इट मीनस कि कॉमन नहीं है, तो 14 का 7 भी जो है जो 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं उन्होंने नहीं आ रहा है, इट मीनस कि 7 जो है कॉमन नहीं है। ठीक है, दोवों के, तो सिर्फ ये पहले वाला 2 ही है जो कि दोवों के कॉमन है, इट मीनस कि एच सी एफ ऑफ 12 एंड 14 इज इक्वल टू 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 14 इज इक्वल टू 2। हूँ असी जो 12 और 14 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है एच सी एफ वो असी कैलकुलेट कर लिया है, वो साढ़ा 2 आया है, तो इस तो बाद हूँ करना की है एंड एच सी एफ ऑफ 12 एंड 14 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये असी कैलकुलेट किया है, इस तो बाद असी करना की है कि जो न्यूमरेटर है तो जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोवां नूं असी जो है एच सी एफ नाल डिवाइड करांगे, न्यूमरेटर अते डिनोमिनेटर नूं असी जो है जो एच सी एफ आया है यानी कि 2, ठीक है, ये असी जो है डिवाइड करांगे, 12 नूं यानी कि न्यूमरेटर नूं जदों 2 नाल डिवाइड करांगे सानूं मिलेगा 6, 14 नूं जदों 2 नाल डिवाइड करांगे सानूं मिलेगा 7। ठीक है, इट मीनस कि 12 नूं 2 नाल डिवाइड करके 6 आ गया, 14 नूं 2 नाल डिवाइड करके 7 आ गया, तो हूँ ये जो 12 अपॉन 14 है ये चेंज हो गया है 6 अपॉन 7 दे विच, सो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 12 अपॉन 14 इज 6 अपॉन 7, तो सानूं जो है लोवेस्ट फॉर्म कढ़नी सी, तो ये जो एच सी एफ नाल डिवाइड करन तो बाद न्यूमरेटर अते डिनोमिनेटर चेंज होया है, यही जो है लोवेस्ट फॉर्म होंदी है किसी भी फ्रैक्शन की। ठीक है, सो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 12 अपॉन 14 ये साढ़े को फ्रैक्शन सी। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है 12 अपॉन 14 ये जो है फ्रैक्शन सी। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन की अगर सानू लोवेस्ट फॉर्म कैलकुलेट करनी है तो असी जो एच सी एफ है यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वो जो है असी पहला कढ़िया, तो फिर उस एच सी एफ के नाल असी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नू डिवाइड किया है, तो डिवाइड करन तो बाद सानू मिलिया है 6 और 7। ठीक है, 6 अपॉन 7, इट मीनस कि यही जो है लोवेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो सानू चैक करना सी कि चैक वैदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म और नोट। ठीक है, कि ये जो फ्रैक्शन है 12 अपॉन 14 ये जो है अपनी लोवेस्ट फॉर्म के प्रेजेंट है या नहीं है। देखो 12 अपॉन 14 अगर लोवेस्ट फॉर्म के प्रेजेंट होंदा इहदा मतलब की सी कि इहदा कोई भी एच सी एफ जो है नहीं आता, ये तो नहीं कह सकते कि एच सी एफ नहीं आता, इन दोवों का एच सी एफ 1 आता अगर ये लोवेस्ट फॉर्म के प्रेजेंट होंदा था, इत्थे जो है सिर्फ 1 आना सी। ठीक है, यानी कि अगर एच सी एफ अगर तो 1 आ जाता है, ठीक है, इट मीनस कि जो फ्रैक्शन होंदी है वो जो है लोवेस्ट फॉर्म के प्रेजेंट होंदी है, अगर एच सी एफ 1 नहीं आता है जिमें कि इतने 2 आया है, इट मीनस कि जो फ्रैक्शन होंदी है वो जो है लोवेस्ट फॉर्म के प्रेजेंट नहीं होंदी है। हाँ जी, इत्थे असी देख सकते हाँ कि जो 12 अपॉन 14 है ये अगे जो है इहदी लोवेस्ट फॉर्म 6 अपॉन 7 बनी है, बट ये खुद लोवेस्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है,
जो 12 अपॉन 14 है यदि लोवेस्ट फॉर्म 6 अपॉन 7 है, बट 12 अपॉन 14 खुद जो है लोवेस्ट फॉर्म दे विच प्रेजेंट नहीं है। सिंपल जी गल तुसी याद रखनी है कि अगर एच सी एफ 1 आंदा है तां जो फ्रैक्शन है वह जो है लोवेस्ट फॉर्म दे विच प्रेजेंट है। अगर एच सी एफ 1 नहीं आंदा है जिवें इस केस दे विच 2 आ रहा है, इट मीनस कि यह जो फ्रैक्शन है यह जो है लोवेस्ट फॉर्म दे विच प्रेजेंट नहीं है। तो सानू आंसर देना सी कि चैक करके कि यह लोवेस्ट फॉर्म प्रेजेंट है या नहीं है, तो असी लिखांगे नो। ठीक है, साडा आंसर है नो, नो कोमा 12 अपॉन 14 इज नॉट इन लोवेस्ट फॉर्म। नो, ठीक है, नहीं कि जो 12 अपॉन 14 है ये जो है अपनी लोवेस्ट फॉर्म दे विच प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कि 12 अपॉन 14 जो है लोवेस्ट फॉर्म दे विच नहीं है। ठीक है जी, तो यह सी क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। हूँ असी करते हाँ क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। हाँ जी, नैक्सट है साढ़े क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। ये साढ़े को जो है फ्रैक्शन है 21 अपॉन 35। तो जिमें असी पहला किया है असी जो है फस्ट एच सी एफ कैलकुलेट करांगे न्यूमरेटर अते डिनोमीनेटर का। ठीक है, तो एच सी एफ कैलकुलेट करने वास्ते असी जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड यूज़ करांगे। हाँ जी, फस्ट फाइंड एच सी एफ ऑफ, इतने लिख लें फस्ट फाइंड एच सी एफ ऑफ 21 एंड 35। तो इस तो बाद असी जो है उधर एच सी एफ कैलकुलेट कर लें। हाँ हाँ जी, 21 जो है ओड नंबर है, इट मीनस कि 2 नाल तो डिवाइड हो नहीं सकता, इट मीनस सानू जो है 3 तो जो है स्टार्टिंग करनी पेगी। 3 7 21 होंदा है, ठीक है, तो 7 1 7 होंदा है। हाँ जी, ये तो असी न्यूमरेटर का असी जो है न्यूमरेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन की है। इस तो बाद हूँ असी करांगे डिनोमीनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन। डिनोमीनेटर है साढ़े को 35, तो ये भी जो है ओड नंबर है, बट ये जो है 3 नाल डिवाइड नहीं होता है क्योंकि 35 नू 3 जो है डिवाइड नहीं कर सकता है। 3 तो बाद जड़ा अगला ओड नंबर है साढ़े को जो है 5 होता है, तो 5 35 नू डिवाइड कर सकता है। इट मीनस हाँ जी, 5 7 35 होता है, तो 7 1 7 होता है। हुण इत्थे जो है असी इन्हां दी प्राइम फैक्टराइजेशन जो आई है वो लिख लैंदे हाँ। 21 ते 35 ए जो है साढ़े को दो नंबरस हैं। 21 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है वो जो है 3 × 7 है। ठीक है, ये दोवें फैक्टर्स हो गए। तो 35 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो जो है 5 × 7 है। ठीक है, हाँ जी, हूँ असी एच सी एफ कैलकुलेट करना है 21 और 35 का। हाँ जी, ये जो 3 है नीचे आ नहीं रहा, तो 7 जो है नीचे आ रहा है, इट मीनस ए वाला 7 जो है कॉमन है। ठीक है, तो नीचे जो 5 प्रेजेंट है वो जो है ऊपर नहीं आ रहा। ठीक है, इट मीनस इन दोवों के बीच बस ये 7 ही है जो है कॉमन है। ठीक है, तो 7 हूँ 21 ते 35 का एच सी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो एच सी एफ ऑफ 21 एंड 35 इज इक्वल टू 7। जिहड़ा फैक्टर कॉमन आ रहा है दोनों नंबरस के बीच, ठीक है, उसनों आपां जो है एच सी एफ के अंदर लिखना होंदा है। एच सी एफ ऑफ 21 एंड 35 इज इक्वल टू 7। हुण असी ये वेख लिया है कि जो एच सी एफ है वो जो है 7 आया है, 1 नहीं आया है। तो अगर सानू चैक करना हो कि कोई फ्रैक्शन लोवेस्ट फॉर्म दे विच प्रेजेंट है या नहीं है, तो बस असी यही चैक करना होंदा है कि एच सी एफ साडा जो है 1 आया है या कुछ 1 तो अलग आया है। अगर तो एच सी एफ 1 आंदा, इट मीनस कि जो फ्रैक्शन सी वो लोवेस्ट फॉर्म दे विच प्रेजेंट सी। ठीक है, अगर एच सी एफ 1 आंदा तो जो फ्रैक्शन है इट मीनस कि वो लोवेस्ट फॉर्म दे विच प्रेजेंट है। अगर एच सी एफ 1 नहीं है जिमें कि इतने 7 आया है, इट मीनस कि फ्रैक्शन जो है लोवेस्ट फॉर्म दे विच प्रेजेंट नहीं है। हाँ जी, हूँ नेक्स्ट जो है आप लिख दें कि एंड एच सी एफ ऑफ 21 एंड 35 इज इक्वल टू 7। ठीक है, हूँ नैक्सट स्टैप के अंदर असी जो न्यूमरेटर है, ठीक है, 21 इसनों जो है 7 के नाल यानी कि एच सी एफ के नाल, तो इदा ही जो डिनोमीनेटर है 35 इसनों जो है एच सी एफ के नाल जो है डिवाइड करना है। ठीक है, न्यूमरेटर एच सी एफ नाल डिवाइड, तो डिनोमीनेटर एच सी एफ नाल डिवाइड। 21 7 नाल डिवाइड करांगे तो साडा आंसर आएगा 3। ठीक है, 7 3 21 होंदा है,
ਤੇ 35 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 5। ਹਾਂਜੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ 21 ਔਰ 35 ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਲੋਵੈਸਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ 3/5। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸੋ ਲੋਵੈਸਟ ਫੋਰਮ ਆਫ 21/35 ਇਜ 3/5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, जो 21/35 है इदी लोवेस्ट फॉर्म जो है 3/5 है। इट मीन्स कि जो ये 21/35 है इस टाइम जो है ये लोवेस्ट फॉर्म दे विच प्रेजेंट नहीं है क्योंकि इदी लोवेस्ट फॉर्म था 3/5 है। हाँ जी, नो इस बाद असी लिखांगे नो 21/35 इज नॉट इन लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, कि जो 21/35 है ये जो है अपनी लोवेस्ट फॉर्म के विच प्रेजेंट नहीं है। तो वैसे ही मैं तुहानू एक ईजी जा ट्रिक दस दिता है कि तुसी जस्ट एच सी एफ नू चैक करना है कि अगर एच सी एफ दो नंबरस का या तीन नंबरस का अगर तो वन आ रहा है इट मीनस कि सॉरी इतने दो ही नंबरस होंगे क्योंकि असं गल कर रहे हैं फ्रैक्शन की। ठीक है, फ्रैक्शन के दो ही नंबर होंगे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। हाँ जी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर एच सी एफ अगर वन आ रहा है इट मीनस कि उन्होंने जो फ्रैक्शन है वो जो है लोवेस्ट फॉर्म के प्रेजेंट है। ठीक है, अगर एच सी एफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वन आ रहा है तो जो फ्रैक्शन है वो जो है लोवेस्ट फॉर्म के प्रेजेंट है। अगर एच सी एफ वन नहीं आ रहा है तो इट मीनस कि फ्रैक्शन जो है लोवेस्ट फॉर्म के प्रेजेंट नहीं है। हाँ जी, नैक्सट है साढ़े कोल क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। ये साढ़े कोल है 13/17। फर्स्ट फाइंड एच सी एफ ऑफ 13/17। इस तो बाद असी एच सी एफ कैलकुलेट करांगे इधर। हाँ जी, 13 का जो असी एच सी एफ कैलकुलेट करना है यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो असी करना है तो 13 जो है एक तो ओड नंबर है। ठीक है, तो 3, 5, 7, 9 इन्हां नाल जो है डिवाइड नहीं हो सकता 13। ठीक है, 11 भी डिवाइड नहीं कर सकता 13 नू जो है क्योंकि 13 जो है प्राइम नंबर होंदा है या तो 1 नाल डिवाइड हो सकता है या खुद दे टेबल ते ही डिवाइड हो सकता है। इट मीनस कि 13 नू 13 ही डिवाइड करेगा। ठीक है, 13 वन्स आ 13। ओके, इदां ही इत्थे असीं लिखांगे 17 जो डिनोमिनेटर है 17 नू भी 17 ही डिवाइड कर सकता है 17 वन्स आ 17। इट मीनस कि अगर असी जो 13 और 17 दी प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, 13 और 17 दी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है हुण इसनू ना जरा ध्यान नाल देखना। ठीक है, 13 दे हुण जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो जो है 13 है। ठीक है, इदां ही 17 दे जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो जो है कल्ला 17 ही है। बट इहदे विच असी एक गल नोटिस करनी है कि नाल ए वन भी हुंदा है। ठीक है, ए वाला जो वन हुंदा है ना इस साइड ते, ठीक है, ए भी प्रेजेंट हुंदा है ते इसनू भी असी काउंट करना हुंदा है, ए भी जो है काउंट हुंदा है। नाले अगर मैं 13 नू अगर मैं इस तरह लिखदा कि 13 मल्टीप्लाइड बाय 1, 13 नू अगर मैं 13 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखदा, ठीक है, या 17 नू मैं 17 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखदा। ठीक है, ए वाला 1 कित्थों आया है, ए वाला 1 मैं ए वाला यूज़ कर रहा हाँ। ठीक है, 13 ਦੇ ਨਾਲ ਏ ਵਾਲਾ 1 ਏ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 17 ਦੇ ਨਾਲ ਏ ਵਾਲਾ 1 ਨੀਚੇ ਏ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 13 ਨੂੰ 13 multiplied by 1 ਵੀ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ 17 ਨੂੰ 17 multiplied by 1 ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ 13 ਔਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ 13 ਹੈ, 17 ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ 17 ਹੈ। ਬੱਚੇ ਐਚ ਸੀ ਐਫ 0 ਲਿਖਦੇ ਹੈ, 0 ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ जो है एच सी एफ प्रेजेंट होएगा अगर कुछ भी कॉमन नहीं है। ता 1 तो कॉमन हुंदा ही है अगर कुछ भी कॉमन नहीं है। ता ठीक है,
अगर असी 13 ते 17 दी गल करिए इन्हां दे विच कुछ भी प्रेजेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। 13 दे विच 13 है, 17 दे विच 17 है, दोवां दे विच कोई भी नंबर या कोई भी प्राइम फैक्टर जो है कॉमन नहीं है, बट 1 जो है वो जो है दोवां दे विच कॉमन है। तो इत्थे मिस्टेक हो सकती है कि तुसी अपना आंसर, मैक्सिमम बच्चे अपना आंसर 0 लिखते हैं कि 13 और 17 दे विच कोई भी कॉमन फैक्टर जो है नहीं है, इट मीन्स कि एच सी एफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 0 है, बट वो जो है रोंग है, ठीक है, वो जो है सही नहीं है। दो नंबर्स हैं साढ़े को, इन्होंने बीच 1 तो कॉमन होएगा ही होएगा, ठीक है। इट मीन्स कि ये वाला 1 जो है, ठीक है, 13 और 17 का एच सी एफ काउंट होएगा। असं इतने लिखा एच सी एफ ऑफ 13 एंड 17, ठीक है। एच सी एफ ऑफ 13 एंड 17 इज इक्वल टू, दोवों के ए वाला 1 कॉमन है तो इट मीनस कि एच सी एफ इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर तुसी ए वाले 1 इतने मनना चाहते हो, ठीक है, ए वाला 1 मैं इतने लिखा है, ए वाला 1 मैं 17 के नाल लिखा है, तो भी ठीक है। वैसे भी अगर किसी भी नंबर में जिम्मे साढ़े को 13 है, ठीक है, तो 13 अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखता फर्क तो कोई पेगा नहीं, ठीक है। 17 17 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखता फर्क तो कोई पेगा नहीं, बट सानू जो है कॉमन फैक्टर मिल जाएगा दोवों के बीच, ठीक है। तो सानू कढ़ना सी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सानू कॉमन फैक्टर मिल गया है 1, इट मीनस कि एच सी एफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर साढ़े को जो है 1 आ जाएगा। तो मैं दस्या सी कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमीनेटर का जो एच सी एफ है अगर तो 1 आ गया है, ठीक है, इट मीनस कि जो फ्रैक्शन है वो जो है लोवेस्ट फॉर्म विच प्रेजेंट है। तो हूँ असं कह सकते हैं कि जो 13 अपॉन 17 है ये जो है इधर एच सी एफ क्योंकि 1 आया है, तो इट मीनस कि जो 13 अपॉन 17 है, 7 नहीं, 13 अपॉन 17 जो है ये जो है लोवेस्ट फॉर्म विच प्रेजेंट है, ठीक है। तो इतने लिख दें असी एंड एच सी एफ ऑफ 13 एंड 17 इज इक्वल टू 1, ठीक है। डिवाइड करके दिखाने की जरूरत वैसे है तो नहीं है, चलो तो भी लिख दें इतने 13 डिवाइडेड बाय 1, 17 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। जोड़ा भी न्यूमरेटर और डिनोमीनेटर हों उसनों आप एच सी एफ नाल डिवाइड करके दिखाने, हाँ जी, इतने जो है 13 क्योंकि 13 1 नाल डिवाइड करा 13 वापस तो मुड़ के आ जाएगा, ठीक है। 17 1 नाल डिवाइड करा कोई फर्क तो पेगा नहीं, ठीक है, 17 ही वापस आ जाएगा, ठीक है। तो असं लिखा सो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 13 अपॉन 17 इज 13 अपॉन 17, ठीक है, कि जो 13 अपॉन 17 है यदि लोवेस्ट फॉर्म 13 अपॉन 17 ही है। तो इतने साडा आंसर हुण यस आएगा क्योंकि सानू चेक करना सी कि वैदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म और नोट, कि ये जो फ्रैक्शन है अपनी लोवेस्ट फॉर्म दे विच प्रेजेंट है या नहीं है। तो क्योंकि एच सी एफ 1 आया है इट मीनस कि ए वाली फ्रैक्शन 13 अपॉन 17 लोवेस्ट फॉर्म दे विच प्रेजेंट है, ठीक है। असं अपना आंसर लिखांगे इतने यस, यस 13 अपॉन 17 इज इन, ठीक है, यस 13 अपॉन 17 इज इन लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है। जो 13 अपॉन 17 है ये जो है लोवेस्ट फॉर्म दे विच प्रेजेंट है। हाँ जी, नेक्स्ट है साढ़े कोल क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट, ये है साढ़े कोल 25 अपॉन 50, ठीक है। तो पहला असं लिखांगे फर्स्ट फाइंड एच सी एफ ऑफ 25 एंड 50, इतने असं कैलकुलेट कर लें हाँ एच सी एफ, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड का यूज़ करते हैं। पहला 25 क्योंकि ओड नंबर है तो 2 नाल तो डिवाइड होएगा नहीं, 3 नाल भी डिवाइड 25 नहीं होंदा है, ये जो है 5 नाल डिवाइड होएगा, 5 5 ज़ा 25 होंदा है, तो 5 1 ज़ा 5 होंदा है। सेकंड साढ़े को डिनोमिनेटर है 50, हाँ जी ईवन नंबर है, 2 नाल स्टार्ट करांगे डिवाइड करना, 2 जो है 50 जो है 2 डिवाइड करेगा 25 के उपर, तो इस तो बाद 25 मुड़ के 5 के उपर कैंसल होएगा, हाँ जी 5 5 ज़ा 25 तो 5 1 ज़ा 5, ठीक है जी। तो इस तो बाद असी इत्थे प्राइम फैक्टर्स लिख लेने हाँ, 25 दे प्राइम फैक्टर्स हैं साढ़े कोल, हाँ जी साढ़े कोल प्राइम फैक्टर्स हैं 25 दे 5 और 5, ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, हाँ जी 50 दे जो प्राइम फैक्टर्स हैं साढ़े कोल वो हैं 2 5 और 5, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय
फाइव मल्टीप्लाइड बाय फाइव। तो हूँ असी देख सकते हैं कि जो नीचे टू है वह तो उपर कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये वाले दोनों जो फाइव है ये जो है कॉमन है, ठीक है। ए वाला फाइव जो 25 का है नीचे भी आ रहा है, ठीक है। तो सैकेंड वाला फाइव भी 25 का वो जो है नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों फाइव के विचों एक फाइव आ जाएगा, ठीक है। पहला असं लिख लें इतने एच सी एफ ऑफ 25 एंड 50, ठीक है। तो हाँ जी एच सी एफ ऑफ 25 एंड 50, तो इन दोनों फाइव के विचों एक फाइव इतने कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इस तो बाद अगले वाला सैकेंड फाइव जो है कॉमन आ गया, ठीक है। हाँ जी हूँ 25 और 50 का जो एच सी एफ आया है वो जो है साढ़े को 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 है, ठीक है। एक तो 5 इन दोनों के विचों कॉमन आया है, तो एक 5 इन दोनों के विचों कॉमन आया है। तो 5 5 25 होंगे है, हाँ जी। हूँ असी देख रहे हैं कि जो एच सी एफ है ये जो एच सी एफ है ये 1 नहीं है, ठीक है। साढ़ा एच सी एफ 25 आया है, इट मीनस सानू इतों ही पता चल गया है कि जो ये साड़ी फ्रैक्शन है ये जो है लोवेस्ट फॉर्म के प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। 25 अपॉन 50 क्योंकि इन्हों का फ्रैक्शन क्योंकि इन्हों का एच सी एफ, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो एच सी एफ है वो जो है 1 नहीं आया है, ठीक है। इट मीनस कि ये जो है लोवेस्ट फॉर्म के प्रेजेंट नहीं है। डिवाइड करके दिखाना है, दिखा दें एक बार। एंड एच सी एफ ऑफ 25 एंड 50 इज इक्वल टू कितना आया है 25, ठीक है। 25 और 50 का जो एच सी एफ है वो जो है 25 आया है साढ़े को। इस तो बाद असी जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नूं एच सी एफ नाल डिवाइड करते होंगे, हाँ जी 25 नूं 25 नाल डिवाइड करांगे सानू आंसर मिलेगा 1, 50 नूं 25 दे नाल डिवाइड करांगे तां सानू आंसर मिलेगा 2, ठीक है। 25 टू ज़ा 50 होंदा है, ठीक है जी। जो न्यूमरेटर है ते जो डिनोमिनेटर है इन्हां नूं असी जो है एच सी एफ नाल डिवाइड करना है। ते हुण 25 अपॉन 50 दी जो लोवेस्ट फॉर्म बनी है, ठीक है, यानी कि 25 अपॉन 50 जो ये फ्रैक्शन सी दी लोवेस्ट फॉर्म बनी है 1 अपॉन 2, ठीक है। तो हूँ असी लिखांगे सो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 25 अपॉन 50, ये जो फ्रैक्शन सानू गिवन सी 25 अपॉन 50 इहदी लोवेस्ट फॉर्म बनी है साढ़े को 1 अपॉन 2, हाँ जी। तो हूँ असी देख सकते हाँ कि एच सी एफ 1 तो आया नहीं है, इट मीनस असी इतने लिखांगे तो असी इतने लिखांगे कि जो 25 अपॉन 50 है ये जो है अपनी लोवेस्ट फॉर्म के प्रेजेंट नहीं है। साडा आंसर आना है नो, ठीक है। लिख देना हाँ इतने नो 25 अपॉन 50 इज नोट, हाँ जी ये जो है साडा आंसर है नो 25 अपॉन 50 इज़ नॉट इन लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है। जो 25 अपॉन 50 है ये जो है अपनी लोवेस्ट फॉर्म के प्रेजेंट नहीं है। हाँ जी हूँ थोड़ा जा मैं मेथड चेंज करांगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि जो पहले वाला मेथड है उहदे विच की है कि असी लोवेस्ट फॉर्म भी कढ़ के दिखा रहे हाँ, बट इस क्वेश्चन के अंदर सानू लोवेस्ट फॉर्म कढ़न वास्ते नहीं किया है, जस्ट ये किया है कि चैक करो कि ये जो फ्रैक्शन है ये अपनी लोवेस्ट फॉर्म के प्रेजेंट है या नहीं है। अगर तुसी इना क्वेश्चंस नू उना उस मेथड के नाल करना चाहते हो जो मैं पहला फोर क्वेश्चंस दे विच या फोर पार्ट्स दे विच अप्लाई किया है तां भी सही है, कोई उस दे विच मिस्टेक नहीं है। बट ये वाला मेथड थोड़ा ईजी है, ईजी की है कि असी बस एच सी एफ कैलकुलेट करके देखा कि साडा एच सी एफ 1 आंदा है जां कुछ होर आंदा है। अगर एच सी एफ 1 आ गया तां असी बस ये लिख देंगे कि जो ये फ्रैक्शन है वो जो है लोवेस्ट फॉर्म दे विच प्रेजेंट है,
ठीक है। अगर न्यूमरेटर अते डिनोमिनेटर का जो एच सी एफ है अगर वो वन नहीं आता है तो इट मीनस कि ये जो फ्रैक्शन है अपनी लोवेस्ट फॉर्म के प्रेजेंट नहीं है। तो सानू बस यही दसना है कि फ्रैक्शन जो है लोवेस्ट फॉर्म के प्रेजेंट है ज नहीं है, ठीक है। सानू लोवेस्ट फॉर्म कढ़ के नहीं दिखानी है। तो जोड़े पहले फोर पार्ट्स हैं अगर उन्हों वाला मैथड तुम ये अप्लाई करना चाहते हो, यानी कि डिवाइड करके लोवेस्ट फॉर्म भी दिखाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर सिंपली येस या नो दे आंसर देना चाहते हो कि एच सी एफ वन है ज नहीं है उसनों वेख के, तो वह भी जो है सही मनिया जाएगा। तो हूँ असी वाला मैथड एक बार देख लें करके। हाँ जी, फर्स्ट फाइंड एच सी एफ 14 एंड 21। तो असी पहला 14 और 21 का एच सी एफ कैलकुलेट कर लें। 2 7 का 14 होता है, 7 1 का 7 होता है। हाँ जी, 21 दे जो असी प्राइम फैक्टर्स करांगे तो 3 7 का 21 होता है, 7 1 का 7 होता है। हाँ जी, 14 असी लिखांगे इतने 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 21 असी लिखांगे इतने 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। इस तो बाद असी एच सी एफ कैलकुलेट करना है। हाँ जी, एच सी एफ ऑफ 14 एंड 21। हाँ जी, इतने असी देख सकते हाँ कि 14 और 21 के बीच 14 के बीच जो 2 है वो जो है नीचे नहीं आ रहा, तो 21 के बीच जो 3 है वो जो है ऊपर नहीं आ रहा 14 के बीच। 14 और 21 के बीच बस 7 ही है जो कि कॉमन है। इट मीनस कि इन दोनों 7 के बीचों, ठीक है, 14 और 21 वाले 7 के बीचों असी जो है कोई एक 7 नीचे एच सी एफ के बीच लिखांगे। इट मीनस कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 14 और 21 का 7 है, ठीक है। तो हूँ असी देख लिया है कि जो 14 और 21 है इहदा एच सी एफ 7 आया है, इट मीनस कि 1 तो नहीं आया है। तो अगर एच सी एफ 1 नहीं है, ठीक है, तो इट मीनस कि ये जो फ्रैक्शन है ये अपनी लोवेस्ट फॉर्म के प्रेजेंट नहीं है। असी इतने लिख देवे, इतने असी लिखना है कि बिकोज एच सी एफ इज 7, देयरफॉर जो ये फ्रैक्शन है 14 अपॉन 21 इज नॉट इन लोवेस्ट फॉर्म। हाँ जी, असी बस यही चेक करना से कि एच सी एफ 1 आया है या नहीं आया है। अगर एच सी एफ 1 नहीं आया है, इट मीनस कि जो ये फ्रैक्शन है 14 अपॉन 21 ये जो है लोवेस्ट फॉर्म के प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर तुसी इस क्वेश्चन नू, ठीक है, जिहड़े पहले 4 पार्ट्स के मैं मैथड अप्लाई किया है यानी कि डिवाइड करके मैं लोवेस्ट फॉर्म भी दिखाई है, अगर उस दे नाल करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी ये थोड़ा मैं ईजी लग्या तो मैं तुहानू जो है ये वाला मैथड करवा दिता है, ये तुहाडी मर्जी है। तुसी कमेंट दे विच मैनू जरूर दसना कि तुहानू ये वाला मैथड ईजी लग्या या जो फर्स्ट 4 पार्ट्स दे विच जो मैं मैथड करवाया है जां ओ वाला मैथड ईजी लग्या। हाँ जी, नैक्सट है साढ़े को 8/13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट है साढ़े को 8/13। फर्स्ट फाइंड एच सी एफ ऑफ 8 एंड 13। हाँ जी, 8 की असी प्राइम फैक्टराइजेशन करांगे। 2 4 का 8 होंदा है, 2 2 का 4 होंदा है, 2 1 का 2 होंदा है, ठीक है। इदा ही हूँ असी 13 की प्राइम फैक्टराइजेशन करांगे। 13 नू सिर्फ 13 ही डिवाइड कर सकता है क्योंकि 13 जो है एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 13, ठीक है। हुण असी इत्थे 8 और 13 दे प्राइम फैक्टर्स लिख लैने हाँ। 8 दे प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है।
हाँ जी 13 दे जो प्राइम फैक्टर्स है साढ़े को 13 मल्टीप्लाइड बाय बस 13 ही है साढ़े को ठीक है। तो इतने असी देख सकते हाँ कि 8 दे प्राइम फैक्टर्स दे विच जो है 2 आ रहा है तो 13 दे प्राइम फैक्टर्स दे विच 2 जो है नहीं आ रहा है ठीक है। तो ये हुण असी बच्चे जो है गलती कर सकते हैं कि एच सी एफ 0 लिख सकते हैं ठीक है। मैं पहला भी दस्या है कि जब भी कुछ भी अगर कॉमन ना आ रहा होए तो 1 तो कॉमन आ ही रहा होंदा है। जिहड़ा ये 8 दे प्राइम फैक्टर्स हैं ठीक है, ये जिहड़े 3 2 हैं इन्हां दे नाल ये वाला 1 भी है ठीक है। ये असी नहीं लिखते होंगे हाँ बट ये भी जो है नाल आता है ठीक है। इवें ही 13 दे जिहड़े प्राइम फैक्टर्स हैं तो ये 13 दे नाल ये वाला 1 भी होंदा है। इट मीनस कि जिमें 8 और 13 के विच कुछ भी अगर कॉमन नहीं आ रहा सी क्योंकि 8 के विच 2 है ठीक है प्राइम फैक्टर तो 13 के विच 13 है तो दोवां के विच कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा सी बट ए वाला 1 तो दोवां के विच कॉमन हमेशा होएगा ही होएगा ठीक है। इट मीनस कि 8 और 13 का जो एच सी एफ है वो 0 नहीं वो 1 होएगा। असी इत्थे लिखांगे एच सी एफ ऑफ 8 एंड 13 इज इक्वल टू 1 ठीक है, कि 8 और 13 के बीच जो कॉमन है ठीक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो जो है 1 है ठीक है। तो मैं दस्या सी कि अगर न्यूमरेटर अते डिनोमिनेटर दे एच सी एफ दे विच न्यूमरेटर अते डिनोमिनेटर दा अगर एच सी एफ अगर 1 आ जाता है इट मीनस कि जो फ्रैक्शन है वो जो है लोवेस्ट फॉर्म दे विच प्रेजेंट है। इट मीनस साडा आंसर आएगा इत्थे यस yes 8 upon 13 is in lowest form क्योंकि 8 अते 13 का जो एच सी एफ आया है वो जो है 1 है। इट मीनस कि जो 8 अपॉन 13 है लोवेस्ट फॉर्म दे विच प्रेजेंट है। yes 8 अपॉन 13 इज इन लोवेस्ट फॉर्म। हाँ जी नैक्सट है साढ़े को क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट 7 अपॉन 15 फर्स्ट फाइंड एच सी एफ ऑफ 7 एंड 15। 7 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 7 ओड नंबर है नाले प्राइम नंबर है इट मीनस 7 7 नाल ही डिवाइड होएगा। 7 वन का 7 होंदा है 15 ओड नंबर है तो 3 नाल डिवाइड होएगा 3 5 का 15 होंदा है तो 5 वन का 5 होंदा है। इट मीनस कि 7 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 7 ते 15 दे जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। हुण असीं देख सकते हैं कि 7 और 15 दे विच कुछ भी कॉमन नहीं है बट 1 जो है कॉमन है ते 7 नूं असीं ए वाला 1 नाल लिखना है 7 दे ठीक है। 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 ठीक है ते ए वाला 1 जो है असीं 15 दी प्राइम फैक्टराइजेशन दे विच नाल लिखना है ठीक है। तो एच सी एफ जो है 7 और 15 दा क्योंकि दोवां दे विच कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा सी ठीक है। ऊपर 7 है नीचे 3 है और 5 है तो बट इत्थे जो है 7 और 15 दे विच 1 जो है वो तो कॉमन होएगा ही होएगा। इट मीनस एच सी एफ ऑफ 7 एंड 15 इज इक्वल टू 1 ठीक है। ए वाला 1 तो कॉमन है ही है ठीक है। तो एच सी एफ ऑफ 7 एंड 15 इज इक्वल टू 1 तो क्योंकि एच सी एफ 1 है इट मीनस कि जो फ्रैक्शन है 7 अपॉन 15 ये जो है अपनी लोवेस्ट फॉर्म दे विच प्रेजेंट है। तो असी लिखांगे यस यस 7 अपॉन 15 इज इन लोवेस्ट फॉर्म। हाँ जी नैक्सट है साढ़े क्वेश्चन नंबर 1 का एच पार्ट ये 14 अपॉन 27 है फर्स्ट फाइंड एच सी एफ ऑफ 14 एंड 27। हाँ जी 2 7 का 14 होंदा है 7 1 का 7 होंदा है 27 ओड नंबर है 3 नाल डिवाइड करांगे 3 9 का 27 होंदा है 3 3 का 9 हो गया तो 3 1 का 3 हो गया। हाँ जी 14 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो जो हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 है तो 27 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो जो हैं साढ़े को 3
थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री है। हाँ जी इतने भी असं देख सकते हैं कि 14 अते 27 दे विच कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, बट 2 और 7 दे नाल 1 भी कॉमन है। ठीक है 14 दे जो प्राइम फैक्टर्स हैं उन्होंने 2 7 दे नाल 1 भी है, इदा ही 27 दे जो प्राइम फैक्टर्स हैं उन्होंने 3 3 3 दे नाल 1 भी है। ठीक है ए वाला 1 भी है। ठीक है इट मीनस कि 14 अते 27 दे विच 1 तो कॉमन है। एच सी एफ ऑफ असी लिखांगे 14 एंड 27 दा जो एच सी एफ है वो जो है 1 है। ठीक है जी 14 एंड 27 दा एच सी एफ 1 है, इट मीनस कि जो ये फ्रैक्शन है ये लोवेस्ट फॉर्म दे विच प्रेजेंट है, क्योंकि अगर एच सी एफ 1 आ रहा है इट मीनस कि जो फ्रैक्शन है वो लोवेस्ट फॉर्म दे विच प्रेजेंट है। यस कोमा 14 अपॉन 27 इज इन लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है जो ये फ्रैक्शन है 14 अपॉन 27 लोवेस्ट फॉर्म दे विच है क्योंकि एच सी एफ 1 है। हाँ जी नेक्स्ट है साढ़े को 25 अपॉन 35। फर्स्ट फाइंड एच सी एफ ऑफ 25 एंड 35। हाँ जी प्राइम फैक्टराइजेशन करांगे 25 दी ओड नंबर है तो 5 के ऊपर डिवाइड होएगा, 3 नाल दा डिवाइड होंदा नहीं है, 5 फाइव दा 25 होंदा है, 5 वन दा 5 होंदा है। 35 दी प्राइम फैक्टराइजेशन 5 सेवन दा 35 होंदा है। ठीक है 3 के ऊपर तो डिवाइड होंदा नहीं है 35 तो 7 वन दा 7 होंदा है। हाँ जी 25 दे प्राइम फैक्टर्स हैं साढ़े को 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। 35 दे जो प्राइम फैक्टर्स हैं साढ़े को 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है तो हूँ असं देख सकते हैं कि 25 और 35 दे विच जो पहला प्राइम फैक्टर है वो जो है दोवों दे विच कॉमन आ रहा है, दोवों दे विच जो पहले वाला 5 है वो जो है कॉमन आ रहा है। इट मीनस कि असी नीचे लिखांगे एच सी एफ ऑफ 25 एंड 35 इज इक्वल टू ए वाला जोड़ा 5 दोवों दे विच कॉमन आ रहा है, इन दो 5 दे विचों असी कोई एक 5 नीचे एच सी एफ दे विच लिखना होंदा है। हाँ जी तो हूँ असी देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो 5 है 25 दा वो जो है नीचे नहीं आ रहा है, तो 35 दा जो 7 है वो जो है ऊपर 25 दी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो नहीं आ रहा है। इट मीनस कि 35 और 25 दे विच बस कॉमन जो है वो जो है 5 ही है। ठीक है जो कॉमन फैक्टर है वो जो है 5 ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 35 इज इक्वल टू 5 क्योंकि एच सी एफ 1 नहीं आ रहा है। ठीक है 5 आ रहा है, इट मीनस कि ये जो 25 अपॉन 35 है ये जो है लोवेस्ट फॉर्म दे विच प्रेजेंट नहीं है। ठीक है क्योंकि एच सी एफ 1 नहीं आ रहा है। ठीक है अगर एच सी एफ 1 आता तो ही आप कह सकते कि ये जो फ्रैक्शन है ये अपनी लोवेस्ट फॉर्म दे विच प्रेजेंट है। ठीक है हुण क्योंकि जो एच सी एफ है 1 नहीं आया है, ठीक है तो असं इतने लिखांगे नो, असं इतने लिखांगे नो 25 अपॉन 35 इतने असी इज नोट। ठीक है इज नोट इन लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है नो 25 अपॉन 35 इज नोट इन लोवेस्ट फॉर्म। हाँ जी नेक्स्ट है साढ़े कोल क्वेश्चन नंबर 1 दा जे पार्ट 18 अपॉन 23। फर्स्ट फाइंड एच सी एफ ऑफ 18 एंड 23। 18 दी असी प्राइम फैक्टराइजेशन करांगे एच सी एफ नू फाइंड आउट करन वास्ते, तो 18 जो है ईवन नंबर है 2 नाल डिवाइड होएगा, 2 9 ज़ा 18 होंदा है, 9 जो है ओड नंबर है 3 नाल डिवाइड होएगा, 3 3 ज़ा 9 होंदा है, 3 1 ज़ा 3। ठीक है तो 23 दी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 23 जो है एक प्राइम नंबर है। ठीक है या तो ये 1 नाल डिवाइड हो सकता है 23 या फिर ये अपने ही टेबल ते डिवाइड होएगा। ठीक है तो इट मीनस कि 23 नू 23 ही डिवाइड कर सकता है, 23 वन ज़ा 23
तो हूँ असं इतने नीचे लिखा 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि 2 × 3 × 3 ठीक है। तो 23 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, हाँ जी 23 ठीक है। हूँ ये असी देख सकते हैं कि 18 और 23 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं यानी कि 2, 3, 3 और 23 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 23 इन्हें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, बट मैं दस्या है कि ये वाला 1 हमेशा कॉमन होंदा है। तो इन प्राइम फैक्टर्स के नाल यानी कि 18 के प्राइम फैक्टर्स के नाल असी मल्टीप्लीकेशन ए वाला 1 लिख सकते हाँ। इदा ही 23 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं यानी कि कला 23 ही है, ये असी ए वाला 1 मल्टीप्लीकेशन एज अ प्राइम फैक्टर काउंट कर सकते हाँ। हूँ 18 और 23 के जो ये 1 है ये तो कॉमन आ रहा है ठीक है। 18 और 23 के ए वाला 1 कॉमन है तो असी लिखांगे एच सी एफ ऑफ 18 और 23 ठीक है। 18 और 23 का जो एच सी एफ है वो जो है साढ़े को 1 है क्योंकि ये 1 इन दोवों के कॉमन है। इट मीनस कि एच सी एफ ऑफ 18 और 23 इज इक्वल टू 1 ठीक है। तो हूँ क्योंकि एच सी एफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 आया है, एच सी एफ 1 आया है, इट मीनस कि जो ये फ्रैक्शन है 18 अपॉन 23 ये जो है लोवेस्ट फॉर्म के प्रेजेंट है। ये वाली फ्रैक्शन 18 अपॉन 23 ये जो है अपनी लोवेस्ट फॉर्म के प्रेजेंट है। इतने असं लिखांगे यस 18 अपॉन 23 इज इन लोवेस्ट फॉर्म ठीक है, कि जो 18 अपॉन 23 है ये जो है लोवेस्ट फॉर्म दे विच है ठीक है। यस क्वेश्चन नंबर 2 है साढ़े कोल एक्सरसाइज 4.4 दा। इदे विच असी राइट द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शंस, सानू जो है फ्रैक्शन दिती हुई है तो सानू उदी लोवेस्ट फॉर्म लिखनी है जी ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 1 सी उदे विच सानू चेक करना सी कि वैदर द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म और नॉट ठीक है। तो हूँ सानू लोवेस्ट फॉर्म कढ़ के दिखानी है, जिवें ये साढ़े कोल 4/8 जो है एक फ्रैक्शन है ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। तो हूँ सानू 4/8 की जो लोवेस्ट फॉर्म है वो जो है हूँ सानू फाइंड आउट करनी है कढ़नी है ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट फाइंड एच सी एफ ऑफ 4 और 8। हाँ जी, तो एच सी एफ वास्ते असी वही प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड यूज़ करांगे। हाँ जी, 4 जो है ईवन नंबर है, 2 नाल डिवाइड होएगा तो 2 2s 4 होंदा है। हाँ जी, तो 2 1s 2 होंदा है। इदा ही असी 8 दी प्राइम फैक्टराइजेशन करांगे, 2 4s 8 होंदा है ठीक है। ईवन नंबर है, 2 नाल डिवाइड होएगा तो 2 2s 4 हो गया तो 2 1s 2 हो गया। इत्थे असी जो है 4 और 8 दे जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं साढ़े कोल लिखांगे। हाँ जी, 4 के प्राइम फैक्टर्स है साढ़े को 2 × 2, तो 8 के जो प्राइम फैक्टर्स है साढ़े को 2 × 2 × 2 ठीक है जी। हाँ जी, हूँ असी एच सी एफ लिखना है 4 और 8 का, तो लिख दें जी एच सी एफ ऑफ 4 और 8 इज इक्वल टू। हाँ जी, एच सी एफ वास्ते असी की करना है कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन्होंने असी लिखना है। तो जो पहले वाला 2 है 4 का जो प्राइम फैक्टर है, 8 के भी पहले वाला 2 नीचे आ रहा है ठीक है। ये वाले दोवें 2 जो है कॉमन है ठीक है। इट मीनस इन दो 2 के कोई एक सिंगल 2 जो है एज अ कॉमन फैक्टर 4 और 8 का इतने जो है असी लिख सकते हैं। हाँ जी, नैक्सट जो 4 के सैकेंड जो 2 है वो जो है नीचे भी प्रेजेंट है 8 के ठीक है। अगले वाला 2 भी जो है दोवों के कॉमन आ रहा है, इट मीनस इन दोनों टू के भी असी जो है एक 2 नीचे इतने लिख सकते हाँ। हाँ जी,
एट के अंदर थर्ड जो है टू आ रहा है, ठीक है, बट फोर के अंदर जो तीसरा जो है ना थर्ड टू, ठीक है, वो जो है प्रेजेंट नहीं है। ये तीजे वाला टू एट के अंदर तो आ रहा है, बट फोर के अंदर जो तीजा टू है वो जो है नहीं है, ठीक है, इस करके आप इसको कॉमन काउंट नहीं कर सकते। तो साढ़े को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एच सी एफ आया है फोर एंड एट का, वो जो है साढ़े को फोर है, ठीक है, टू टू ज़ा फोर होंगे है। हाँ जी, इस तो एक गल सानू पता चल गई है कि एच सी एफ वन नहीं आया है, इट मीनस कि ए जो है अपनी लोवेस्ट फॉर्म दे विच तां नहीं है, ठीक है। फोर अपॉन एट न्यूमरेटर फोर अते डिनोमिनेटर एट, ए तां अपनी जो लोवेस्ट फॉर्म होंदी है उहदे विच तां ये नहीं है, ठीक है। तां हुण लोवेस्ट फॉर्म असी कढ़नी है, ठीक है, इहदे वास्ते असी की करांगे कि जो न्यूमरेटर है फोर अते जो डिनोमिनेटर है एट, इन्हां दोवां नूं असीं एच सी एफ फोर दे नाल डिवाइड करांगे, ठीक है। ये जो मैथड है मैं पहलां भी जो फर्स्ट फोर पार्ट्स करवाए सी क्वेश्चन नंबर वन दे उहदे विच करवा चुके हाँ, तां उही सेम मैथड असीं आपां इत्थे अप्लाई करना है। हाँ जी, तां हुण जो न्यूमरेटर है फोर उसनूं असीं एच सी एफ यानी कि फोर दे नाल, ठीक है, ते डिनोमिनेटर जो एट है उसनूं भी असीं डिवाइड करांगे जो एच सी एफ आया है साढ़े को फोर, ठीक है। हाँ जी, फोर नू फोर नाल डिवाइड करांगे सानू मिलेगा वन, ते एट नू जदों असी फोर नाल डिवाइड करांगे तो सानू मिलेगा टू, ठीक है, फोर टू ज़ा एट हुंदा है। तो ए है वन अपॉन टू, ए है फोर अपॉन एट दी लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है। सानू लोवेस्ट फॉर्म कटनी सी फोर अपॉन एट दी, तो लोवेस्ट फॉर्म आई है वन वन अपॉन टू, ठीक है, फोर अपॉन एट दी लोवेस्ट फॉर्म है वन अपॉन टू। इतने असं लिख देंगे सो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फोर अपॉन एट इज वन अपॉन टू। हाँ जी, फोर अपॉन एट दी जो लोवेस्ट फॉर्म है वो जो है वन अपॉन टू आई है, ठीक है जी। तो ए सी क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट, हुण असीं करांगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट। हाँ जी, सेकंड का बी पार्ट है साढ़े कोल 12 अपॉन 18। फर्स्ट फाइंड एच सी एफ ऑफ 12 एंड 18, तो हूँ असी कटते हाँ 12 अते 18 का एच सी एफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। हाँ जी, 12 की जो असी प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो क्योंकि ये ईवन नंबर है तो टू ना डिवाइड होएगा। हाँ जी, टू सिक्स ज़ा 12 होंगे है, टू थ्री ज़ा 6 होंगे है, तो थ्री वन ज़ा 3 होंगे है। हाँ जी, 18। हाँ जी, इसनों भी टू ना डिवाइड करेंगे, टू नाइन ज़ा 18 हो गया, थ्री थ्री ज़ा 9 हो गया, तो थ्री वन ज़ा 3 हो गया। हाँ जी, हूँ इतने असी 12 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं टू टू और थ्री, ये जो है लिखा टू मल्टीप्लाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री। हाँ जी, 18 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं साढ़े को टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री, ठीक है जी। हाँ जी, तो हूँ असी एच सी एफ लिखना है, ठीक है, 12 एंड 18 का। हाँ जी, हुण असी कॉमन फैक्टर देखने हैं दोवां दे विच, जिहड़ा पहले वाला 2 है दोवां दे विच कॉमन आ रहा है, इसनों आपां जो है कॉमन इत्थे लिख सकते हाँ, ठीक है जी। इस तो बाद हुण जिहड़ा सैकेंड वाला 2 है 12 का, वो जो है नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है, 18 दे विच सैकेंड वाला 2 जो है प्रेजेंट नहीं है, इट मीनस कि ये वाला 2 तो नहीं आ सकता। तो 18 दे विच जो 3 है वो 2 टाइम्स आ रहा है, 12 दे विच जो 3 है वो 1 टाइम आ रहा है, तो असी जो है क्योंकि 12 दे विच 3 जो है 1 टाइम आ रहा है, यानी कि ए वाला 3 ते ए वाला 3, ठीक है, इन्हां दोनों दे विचों कोई एक 3 जो है कॉमन लै सकते हाँ। जिहड़ा 18 दा जो सैकेंड वाला 3 है ना, ये जो है कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि सैकेंड 3 12 दे विच प्रेजेंट नहीं है। हाँ जी, इन्हां दोनों 3 दे विचों असी एक 3 जो है नीचे लवेंगे क्योंकि ये दोवें 3 जो है कॉमन आ रहे हैं 12 अते 18 दे विच। हाँ जी,
सानू जो है कॉमन फैक्टर लेने से, ठीक है, 12 और 18 दे, वो जो है एक तो ये वाला 2 हो गया, एक ये वाला 3 हो गया, तो एच सी एफ जो है 12 और 18 का ये हो गया सर्कल, 2 3 इज 6। हाँ जी, तो 6 जो है सर्कल 12 और 18 का एच सी एफ है। हूँ असं डिवाइड करना है, हाँ जी, जो न्यूमरेटर है साडा 12, इस असी एच सी एफ नाल यानी कि 6 नाल डिवाइड करांगे। इवें ही जो डिनोमीनेटर है साढ़े को 18, इसनों भी असी जो एच सी एफ है 6 ये डिवाइड करांगे, तो 12 नू 6 नाल डिवाइड करांगे, 6 टू इज़ 12 हुंदा है। इदा ही 18 नू 6 नाल डिवाइड करांगे तो 6 3 इज़ 18 हुंदा है। इट मीनस कि 12 अपोन 18 की जो लोवेस्ट फॉर्म है साढ़े को जो है 2/3 है, ठीक है, 12 अपोन 18 की जो लोवेस्ट फॉर्म है 2/3 है, क्योंकि इतने एच सी एफ 1 नहीं आया सी, ठीक है, 6 आया सी, तो सानू पता चल गया सी कोई ना कोई दी जो है लोवेस्ट फॉर्म तो होएगी, ठीक है, तो वो जो है असी कढ़ ली है 2/3, ठीक है। सो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 12/18 इज 2/3, ठीक है जी, ये है इसका आंसर। सो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 12/18 इज 2/3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है साढ़े को 15/20। फर्स्ट फाइंड एच सी एफ ओ 15 एंड 20। हाँ जी, 3 5 ज़ा 15 हुंदा है, तो 5 1 ज़ा 5 हुंदा है। तो हनु जो ये एच सी एफ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के नाल ये करना लगभग आ ही गया होना है, तो हूँ मैं थोड़ा फास्टली करवावगा, ठीक है, मैं डिटेल दे विच नहीं तुहानू दसांगा एच सी एफ असी किद्दां जो है कैलकुलेट करना है। डिटेल दे वास्ते मैं तुहानू दस्सिया है कि तुसीं मेरी थर्ड चैप्टर दी जाके जो है वीडियोज़ देख सकते हो, उहदे विच मैं एच सी एफ अते एल सी एम बड़े ही वधिया तरीके नाल समझाया है। जे तां वी तुहानू कोई डाउट अगर लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो तुसीं मैनू कमेंट करके दस सकते हो, मैं दोबारा तो जो है कोई होर वधिया जे मैथड दे नाल जो है वीडियो बना के जो है उसी टॉपिक दी जो है मैं जो है यूट्यूब के उपर जो है अपलोड करांगा, ठीक है। तो तुसी जो है मेरी थर्ड चैप्टर की वीडियोज़ भी एच सी एफ की वेख लेना एक बारी। हाँ जी, 20, हाँ जी, 2 10 20 हुंदा है, 2 5 10 हुंदा है, तो 5 1 5 हुंदा है। हाँ जी, 15 दे जो असी प्राइम फैक्टर्स लिखांगे तो 3 × 5 आ गया, ठीक है, 20 दे जो प्राइम फैक्टर्स लिखांगे तो 2 × 2 × 5 आ गया, ठीक है। हाँ जी, हुण असीं देख सकते हैं 3 जो है उपर आ रहा है बट नीचे 3 नहीं आ रहा है, जो 2 है वो नीचे आ रहा है 20 दे विच बट उपर नहीं आ रहा है, जोड़ा ये 5 है 15 का 20 का जोड़ा 5 है ये जो है दोवां दे विच कॉमन है, ठीक है, ये वाला 5 दोवां दे विच जो है कॉमन है, तो इसनों असीं इत्थे लिख सकते हाँ एच सी एफ ऑफ 15 एंड 20। हाँ जी, एच सी एफ ओ 15 एंड 20, तो इन दोवों के कॉमन फैक्टर 5 है, तो इतने असी लिखांगे 5, ठीक है। हुण एच सी एफ 1 तो नहीं है, इट मीनस कि लोवेस्ट फॉर्म कुछ ना कुछ तो होएगी, ठीक है, तो असी लोवेस्ट फॉर्म कढ़ने वास्ते इतने डिवाइड करांगे, जो न्यूमरेटर है 15 इसनों एच सी एफ यानी कि 5 के नाल, इदा ही असी जो डिनोमीनेटर है 20 उसनों जो है एच सी एफ के नाल डिवाइड करांगे 5 के नाल, ठीक है। हाँ जी, 15 नू 5 नाल डिवाइड करांगे तो सानू मिलेगा 3, 20 नू 5 नाल डिवाइड करांगे तो सानू मिलेगा 4, ठीक है। इट मीनस कि जो लोवेस्ट फॉर्म है 15/20 दी वो जो है 3/4 है। हाँ जी, सो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 15/20 इज 3/4, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है साढ़े कोल क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट, 35 एंड 45, 35/45। हाँ जी, फर्स्ट फाइंड एच सी एफ ऑफ 35 एंड 45, तो इतने हूँ असं करांगे प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ जी, 35 क्योंकि ओड नंबर है तो 3 ना डिवाइड होंदा नहीं है, 5 7 35 हो गया, 7 1 7 हो गया। हाँ जी, 45 3 नाल डिवाइड हो सकता है, 3 1 3 हो गया, 3 5 15 हो गया,
हाँ जी, 3 5s 15 हो गया ते 5 1s 5 हो गया। हूँ इतने असी इन्हों प्राइम फैक्टर्स लिख लें हाँ। 35 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। 45 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं साढ़े को इतने हैं साढ़े को 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है जी, 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है जी। हाँ जी, हुण असी देख सकते हाँ कि 35 और 45 के जो फैक्टर्स हैं इन दे विच 35 दे विच 5 है, ठीक है, नीचे भी 5 है। ठीक है, इट मीनस कि जो 5 है 35 और 45 दे विच ए वाला 5 दोवां दे विच जो है कॉमन है। तो इत्थे असी लिख लैने हाँ, हाँ जी, एच सी एफ ऑफ 35 एंड 45। तो जो 5 है वो जो 5 है वो तो जो है कॉमन है। ठीक है जी, हुण 35 दे विच 7 आ रहा है बट 7 नीचे नहीं है, इट मीनस कि कॉमन नहीं है। 45 दे विच 3 आ रहा है 2 टाइम्स बट 35 दे विच 3 जो है आ ही नहीं रहा, इट मीनस कि 7 और 3 जो है दोवें जो है कॉमन नहीं ने। ठीक है, तो 35 और 45 दे विच ओनली 5 ही कॉमन है, इस करके असी लिखांगे एच सी एफ ऑफ 35 एंड 45 इज इक्वल टू 5। हुण असी डिवाइड करना है न्यूमरेटर यानी कि 35 नूं एच सी एफ दे नाल यानी कि 5 दे नाल। इदा ही असी डिनोमिनेटर 45 नूं डिवाइड करना है एच सी एफ यानी कि 5 दे नाल। 35 नूं 5 दे नाल डिवाइड करांगे तां 5 7s 35 हुंदा है, ते 45 नूं जदों 5 नाल डिवाइड करांगे तां 5 9s 45 हुंदा है। ठीक है, इट मीनस कि जो साडे कोल फ्रैक्शन है 35 अपॉन 45, इहदी जो लोवेस्ट फॉर्म साडे कोल आई है वो जो है साडे कोल 7 अपॉन 9 है। ठीक है, हाँ जी, सो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 35 अपॉन 45 इज 7 अपॉन 9। जो 35 अपॉन 45 है इहदी लोवेस्ट फॉर्म जो है 7 अपॉन 9 है। हाँ जी, नेक्स्ट है साढ़े कोल क्वेश्चन नंबर 2 दा ई पार्ट 24 अपॉन 36। फर्स्ट फाइंड एच सी एफ ऑफ 24 एंड 36। 24 दी हुण असी प्राइम फैक्टराइजेशन करांगे, 24 क्योंकि ईवन नंबर है 2 नाल डिवाइड करांगे तां 2 12s 24 हुंदा है। हाँ जी, 2 6s 12 हुंदा है, 2 3s 6 हुंदा है, ते 3 1s 3 हुंदा है। हाँ जी, हुण असी इत्थे 36 दी प्राइम फैक्टराइजेशन करांगे, 2 18s 36 हुंदा है, 2 9s 18 हुंदा है, 3 3s 9 हुंदा है, ते 3 1s 3 हुंदा है। इत्थे असी लिख लैने हां जी 24 दी जो प्राइम फैक्टराइजेशन साढ़े कोल आई है। हाँ जी, 2 जो है साढ़े कोल 3 टाइम्स है तो लिख लैने हां, ते 3 जो है 1 टाइम है। 36 दी जो साढ़े कोल प्राइम फैक्टराइजेशन आई है इहदे विच साढ़े कोल 2 जो है 2 टाइम्स है, ते 3 जो है साढ़े कोल 2 टाइम्स है। हाँ जी, हुण असी इत्थे देख सकते हाँ कि जिहड़ा पहले वाला 2 है दोवां दे विच कॉमन आ रहा है, तो असी इत्थे लिख लैंदे हाँ एच सी एफ ऑफ 24 एंड 36। हाँ जी, तो पहले वाला 2 जो है दोवां दे विच कॉमन आ रहा है इत्थे असी लिख सकते हाँ। इस तो बाद जो अगले वाला 2 है ये भी जो है कॉमन है लिख सकते हाँ, ते इस तो बाद हुण थर्ड वाला 2 जो 24 दे विच आ रहा है थर्ड वाला 2 जो है नीचे नहीं आ रहा 36 दे विच। ठीक है, इस करके आपां इस नूं नहीं लिखांगे, ते जो 24 दा जो 3 है नीचे जो है 3 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, इन्हां दे विचों कोई भी असी 3 जो है लै सकदे हां, तां इन्हां दोवां 3 दे विचों एक 3 जो है इत्थे कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 जो है 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ 3 ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 24 ਅਤੇ 36 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜੋ ਹੈ 2 ਟਾਈਮਸ ਤੇ 3 ਜੋ ਹੈ 1 ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਕਾਮਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, 2 2s ਆ 4 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 4 3s ਆ 12 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ 24 ਅਤੇ 36 ਦਾ 12। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ जो न्यूमरेटर है साढ़े को 24 इसनों डिवाइड करांगे एच सी एफ यानी कि 12 दे नाल। इतना ही जो डिनोमिनेटर है 36 इसनों से डिवाइड करांगे एच सी एफ दे नाल यानी कि 12 दे नाल। हाँ जी,
24 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 12 2 ਜ਼ 24 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ 36 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 12 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 12 3 ਜ਼ 36 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਲੋਵੈਸਟ ਫਾਰਮ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਅਪੋਨ 36 ਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ 2 ਅਪੋਨ 3 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, सो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 24 अपॉन 36 इज 2 अपॉन 3। ये जो है साडा आंसर है 2 अपॉन 3। हाँ जी, नैक्सट है साढ़े को क्वेश्चन नंबर 2 का एफ पार्ट। ये 8 अपॉन 12 है, तो फर्स्ट फाइंड एच सी एफ ऑफ 8 एंड 12। हाँ जी, 8 का हूँ असी प्राइम फैक्टराइजेशन करांगे, तो 2 4 ज़ा 8 होता है, तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 1 ज़ा 2। ठीक है जी। हाँ जी, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 ज़ा 12 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, 3 1 ज़ा 3 होता है। इतने असी हूँ इन्हों के प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। हाँ, 8 के विच जो 2 है वो 3 टाइम्स रिपीट होया है, तो 12 के विच जो 2 है वो 2 टाइम्स आया है, तो 3 जो है 1 टाइम आया है। ठीक है जी। तो हुण असी एच सी एफ लेना है 8 अते 12 का। तो हुण असी देख सकते हैं कि जिहड़ा पहला फैक्टर है 2, दोवां दे विच कॉमन आ रहा है, इत्थे असी लिख लैंदे हाँ। इदां ही सैकेंड वाला 2 जो है दोवां दे विच कॉमन आ रहा है, लिख लैंदे हाँ जी। तो थर्ड द जो थर्ड वाला 2 है ना 8 दे विच, वो नीचे नहीं आ रहा, तो 12 दे विच जो 3 आ रहा है वो जो है ऊपर 8 दे विच नहीं आ रहा है। इट मीनस कि साढ़े कोल जो दो ही कॉमन फैक्टर्स आए हैं 8 और 12 दे, वो जो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 है। ठीक है, एच सी एफ ऑफ 12, एच सी एफ ऑफ 8 एंड 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है जी। हाँ जी, हूँ जो न्यूमरेटर है साढ़े कोल 8, इसनों असी एच सी एफ यानी कि 4 के नाल डिवाइड करना है। इदा ही असी डिनोमीनेटर 12 नूं जो एच सी एफ है साढ़े कोल 4, इहदे नाल डिवाइड करना है। 8 नूं असी 4 नाल डिवाइड करांगे तो सानूं मिलेगा 2। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी, 4 2 ज़ा 8 होंदा है, इदा ही 4 3 ज़ा 12 होंदा है। ठीक है जी। तो सो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 8 अपॉन 12 इज, 8 अपॉन 12 की जो लोवेस्ट फॉर्म साढ़े को आई है वो जो है 2 अपॉन 3 है। ठीक है जी, 8 अपॉन 12 की जो लोवेस्ट फॉर्म साढ़े को आई है वो जो है 2 अपॉन 3 है। हाँ जी, नैक्सट है साढ़े कोल क्वेश्चन नंबर 2 का जी पार्ट। ये साढ़े कोल जो है 18 अपॉन 21 है, फर्स्ट फाइंड एच सी एफ ऑफ 18 एंड 21। हाँ जी, 2 9 ज़ा 18 होंदा है, 3 3 ज़ा 9 होंदा है, तो 3 1 ज़ा 3 होंदा है। 21 3 7 ज़ा, क्योंकि ओड नंबर है, 3 7 ज़ा 21, तो 7 1 ज़ा 7। 18 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं साढ़े को 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 है। 21 के साढ़े को जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं उसके विच साढ़े को 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 है। ठीक है जी। हाँ जी, हुण असी वेख सकते हैं कि जो 2 है 18 के विच वो नीचे 21 के विच नहीं आ रहा है। 18 का जो 18 के विच जो 3 है वो जो है 21 के विच भी नीचे आ रहा है। ठीक है, ए वाला 3 जो है दोवां दे विच कॉमन है। इट मीनस इसनों आपां लिख सकते हाँ तो 18 एंड 21 का जो एच सी एफ है, ठीक है, ए वाला 3 जो है दोवां दे विच कॉमन है, इतने नीचे लिख सकते हैं एज अ कॉमन फैक्टर। तो 18 का जो सैकेंड 3 है वो नीचे नहीं आ रहा है, नीचे जो है 3 ओनली 1 टाइम है। ठीक है, तो 21 का जो 7 है वो ऊपर 18 के विच नहीं आ रहा है। ठीक है, इट मीनस कि 18 और 21 के विच जो कॉमन है वो जो है ओनली 3 है। तो इस करके एच सी एफ ऑफ 18 एंड 21 इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, 18 और 21 का जो एच सी एफ है साढ़े को हाईएसट कॉमन फैक्टर है वो जो है 3 है। इतने असी हूँ डिवाइड करते हाँ 18 नूं यानी कि न्यूमरेटर नूं, जो एच सी एफ आया है साढ़े को यानी कि 3 3 के नाल। ठीक है, इदा ही डिनोमीनेटर यानी कि 21 असी डिवाइड करांगे एच सी एफ यानी कि 3 के नाल।
हाँ जी 18 नू 3 नाल डिवाइड करांगे तां सानू मिलेगा 6, 21 नू 3 नाल डिवाइड करांगे तां सानू मिलेगा 7, ठीक है। 3 6 दा 18 हुंदा है ते 3 7 दा 21 हुंदा है ते सो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 18 अपॉन 21 इज 6 अपॉन 7, ठीक है। 18 अपॉन 21 दी जो लोवेस्ट फॉर्म असी कड्डी है, ठीक है, वो साढ़े कोल आई है 6 अपॉन 7। 3 6 दा 18, 3 7 दा 21। हाँ जी नेक्स्ट है साढ़े कोल क्वेश्चन नंबर 2 दा एच पार्ट। इहदे विच साढ़े कोल है 25 अपॉन 45। फर्स्ट फाइंड एच सी एफ ऑफ 25 एंड 45। 25 दी प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है जी, 5 5 इज़ 25 हुंदा है ते 5 1 इज़ 5 हुंदा है। इदां ही 45 दी प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 9 इज़ 45 हुंदा है ते 3 3 इज़ 9 हुंदा है, 3 1 इज़ 3 हुंदा है, ठीक है जी। ते 25 दे जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं साढ़े कोल 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। इदां ही 45 दे जो प्राइम फैक्टर्स साढ़े कोल आए हैं, हाँ जी, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है जी। हाँ जी तो इहदे विच असी देख सकते हाँ कि जो फस्ट फैक्टर है दोवां दे विच कॉमन है, इट मीनस कि असी एच सी एफ दे अंदर यानी कि 25 एंड 45 इन्हां दे एच सी एफ दे विच जो 5 है ये असी लिख सकते हाँ, ठीक है, ये जो है कॉमन फैक्टर है। हुण 25 दा जो सैकेंड वाला 5 है वो नीचे 45 दे विच नहीं आ रहा है ते 45 दे जड़े 3 हैं, ठीक है, जड़े कि 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं ए वाले दोवें 3, ये जो है ऊपर नहीं आ रहे हैं। 25 दे विच 3 जो है आ ही नहीं रहा है, ठीक है। इट मीनस कि 25 दा ए वाला 5 ते 45 दे ए दोवें 3 जो है कॉमन नहीं हन, ठीक है। सिर्फ यही 5 जो है कॉमन है दोवां दे विच 25 और 45 दे विच, ते इट मीनस एच सी एफ 25 अते 45 दा जो है 5 है। ते हुण असी इत्थे डिवाइड करना है न्यूमरेटर यानी कि 25 नूं असी डिवाइड करना है एच सी एफ यानी कि 5 दे नाल, इदां ही डिनोमिनेटर यानी कि 45 नूं असी डिवाइड करना है एच सी एफ यानी कि 5 दे नाल। हाँ जी 5 5 इज़ 25 हुंदा है, इट मीनस कि इत्थे 5 आएगा, ठीक है जी। हाँ जी 45 नूं 5 नाल डिवाइड करांगे तां 5 9 इज़ 45 हुंदा है। हाँ जी सो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 25 अपॉन 45, 25 अपॉन 45 दी जो लोवेस्ट फॉर्म है वो जो है साढ़े कोल आई है 5 अपॉन 9, ठीक है जी। 25 अपॉन 45 दी जो लोवेस्ट फॉर्म साढ़े कोल आई है वो जो है 5 अपॉन 9 है। हाँ जी नेक्स्ट है साढ़े कोल क्वेश्चन नंबर 2 दा आई पार्ट 6 अपॉन 12। फर्स्ट फाइंड एच सी एफ ऑफ 6 एंड 12। 6 दी प्राइम फैक्टराइजेशन करांगे, 2 3 इज़ 6 हुंदा है ते 3 1 इज़ 3 हुंदा है। इदां ही 12 दी प्राइम फैक्टराइजेशन, हाँ जी 2 6 इज़ 12 हुंदा है ते 2 3 इज़ 6 हुंदा है ते 3 1 इज़ 3 हुंदा है, ठीक है जी। 2 6 इज़ 12, 2 6 इज़ 12 हो गया, 2 3 इज़ 6 हो गया ते 3 1 इज़ 3 हो गया, ठीक है जी। हाँ जी 6 दे हुण असी लिखने हैं प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, इदां ही असी 12 दे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। हाँ जी 6 और 12 दे विच असी देख सकते हैं कि जो फर्स्ट फैक्टर है यानी कि 2 ए जो है कॉमन आ रहा है, तो इत्थे असी नीचे लिखांगे 6 एंड 12 दा एच सी एफ, इहदे विच 2 जो है कॉमन आ रहा है। हाँ जी 6 दे विच 3 आ रहा है ते नीचे 12 दे विच भी जो है 3 आ रहा है, लिख सकते हैं कॉमन है। ते 12 दे विच जिहड़ा ये 2 आ रहा है सैकेंड वाला 2, सैकेंड वाला 2 जो है 6 दे अंदर नहीं है, ठीक है। इट मीनस कि जो सैकेंड वाला 2 है 12 दा ये जो है कॉमन नहीं है नहीं है, ते 6 दा ए वाला 2 कॉमन है, ठीक है। ते 6 दा ए वाला 3 जो है नीचे जो 3 आ रहा है उहदे नाल भी जो है कॉमन है, ठीक है जी। इट मीनस 6 और 12 दा जो 6 एंड 12 दा जो एच सी एफ है वह साढ़े कोल आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 2 3 इज़ 6 यानी कि 6 और 12 दा जो एच सी एफ है वह जो है 6 है। हुण असी न्यूमरेटर नूं यानी कि 6 नूं डिवाइड करांगे एच सी एफ यानी कि 6 दे नाल, इदां ही असी जो डिनोमिनेटर है 12 उसनों जो है
डिवाइड करांगे असी एच सी एफ यानी कि सिक्स के नाल। हाँ जी, सिक्स नू सिक्स नाल डिवाइड करांगे सानू मिलेगा वन, ट्वेल्व नू सिक्स नाल डिवाइड करांगे तो सानू मिलेगा टू। ठीक है, इट मीनस कि सो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ सिक्स अपॉन ट्वेल्व इज वन अपॉन टू। ठीक है जी, सिक्स अपॉन ट्वेल्व की जो लोवेस्ट फॉर्म है वो जो है वन अपॉन टू है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट है साढ़े को क्वेश्चन नंबर टू का जे पार्ट नाइन एंड नाइन अपॉन ट्वेंटी सैवन। तो फर्स्ट फाइंड एच सी एफ ऑफ नाइन एंड ट्वेंटी सैवन। हाँ जी, नाइन की प्राइम फैक्टराइजेशन थ्री थ्री का नाइन होंदा है तो थ्री वन का थ्री होंदा है। हाँ जी, ट्वेंटी सैवन की प्राइम फैक्टराइजेशन थ्री नाइन का ट्वेंटी सैवन होंदा है, थ्री थ्री का नाइन होंदा है, थ्री वन का थ्री होंदा है। हाँ जी, नाइन के जो प्राइम फैक्टर्स हैं थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री हो गया, ट्वेंटी सैवन के जो प्राइम फैक्टर्स हैं इन्हों दे विच असी थ्री नू जो है थ्री टाइम्स लिखना है। ठीक है जी, तो हुण असी देख सकते हाँ कि पहले वाला जो थ्री है दोवां दे विच कॉमन है एच एच सी एफ ऑफ नाइन एंड ट्वेंटी सैवन। एच सी एफ ऑफ नाइन एंड ट्वेंटी सैवन पहले वाला थ्री जो है दोवां दे विच कॉमन है। हाँ जी, सैकेंड वाला थ्री भी जो है दोवां दे विच कॉमन है, तो थर्ड वाला जो थ्री है वो जो है ट्वेंटी सैवन के आ रहा है बट नाइन के जो है वो प्रेजेंट नहीं है, इट मीनस कि कॉमन नहीं है। तो नाइन एंड ट्वेंटी सैवन के जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं वो जो है थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री है, इट मीनस एच सी एफ ऑफ नाइन एंड ट्वेंटी सैवन इज इक्वल टू थ्री थ्री इज़ नाइन होंदा है, यानी कि नाइन और ट्वेंटी सैवन का जो एच सी एफ आया है साढ़े को जो है नाइन है। ठीक है, हाँ जी, हूँ असी न्यूमरेटर नूं जो एच सी एफ आया है साढ़े को नाइन दे नाल डिवाइड करांगे, इदा ही असी जो डिनोमिनेटर है ट्वेंटी सैवन उसनों भी जो है एच सी एफ नाल डिवाइड करांगे। नाइन नूं नाइन नाल डिवाइड करांगे वन आएगा, तो ट्वेंटी सैवन नूं नाइन नाल डिवाइड करांगे तो नाइन थ्री इज़ ट्वेंटी सैवन होंदा है, इट मीनस ए है लोवेस्ट फॉर्म वन अपॉन थ्री। सो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ नाइन अपॉन ट्वेंटी सैवन, नाइन अपॉन ट्वेंटी सैवन की जो लोवेस्ट फॉर्म है साढ़े को जो है वन अपॉन थ्री है। ठीक है जी, हाँ जी, सो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ नाइन अपॉन ट्वेंटी सैवन इज वन अपॉन थ्री। तो यह सी साढ़े को एक्सरसाइज 4.4। तो यह जो है मैं कंप्लीट करवा दिती है, जिन्ने भी पार्ट्स से सारे डिटेल दे विच मैं जो है तुहानू समझाए हैं। ठीक है, अगर तुहानू तां भी लगता है कि कुछ कमी है या कोई टॉपिक है जो मैं तुहानू समझा नहीं पाया हुआ, वैसे तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हाँ समझाने की, बट अगर तुहानू तां भी कुछ लगता है कि कोई टॉपिक है इदां दा जो मैं समझा नहीं पाया हाँ तो तुसी मैनू दस सकते हो। ठीक है, कमेंट दे विच लिख सकते हो। अगर कोई भी सजेशन तुसी देना चाहते हो कि मेरा कोई मैथड जो है तुहानू समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं दोबारा तो तुहाडे वास्ते जो है वीडियो जो है बना के जो है अपलोड कर दाँगा यूट्यूब के उपर। ठीक है, तो तुसी कमेंट करके जरूर दसना कि मेरे जो मैथड है टीचिंग का ये तुहानू समझ आ रहा है ज नहीं आ रहा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक।